गाइस फाइनली हमारा गेम के ऊपर आ चुका है पर्पल क्रिमिनल बंडल रिटर्न। सो गाइस पर्पल क्रिमिनल बंडल फाइनली रिटर्न आ चुका है फ्री फायर मैक्स के ऊपर। तो इसी पर्पल क्रिमिनल बंडल को लेने के लिए आपको कितना डायमंड बेस्ट हो सकता है मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिप्स भी बता दूंगा, आप लोग जो भी प्लेयर स्पिन करना चाहते हो इसी पर्पल क्रिमिनल बंडल के ऊपर, तो मैं आपको बता दूंगा ऐसा टिप्स जो आप बहुत ही आराम से इसी पर्पल क्रिमिनल बंडल को उठा सकते हो। सबसे पहले बात करें तो पर्पल क्रिमिनल यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक कुछ इस टाइप का है, जो भुद्दू सा मुख है एंड यहाँ पे इसका जो ड्रेस है बिल्कुल ही पर्पल क्रिमिनल जैसा है, मतलब पर्पल ड्रेस है जो काफी बढ़िया एंड ओपी लेवल लग रहा है। और इसका मुंह देख रहे हो मतलब पूरा एकदम क्या ही बोले यार, तुम लोग कमेंट करके बोलो इसका मुंह कैसा लग रहा है तुमको। तो यहाँ पे बात करते हो मैजिक क्यूब इस टाइप का दिख रहा है, ये जो मैजिक क्यूब आपको इसके ऊपर से मिलने वाला है। साथ में आपको इस टाइप का एक ड्रेस भी मिलने वाला है एंड गाइस इसके ऊपर ये भी मिलने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ एक MP5 का स्किन दे रहे है, काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पे M14 का स्किन दे रहे है, यहाँ पे एक VSS का स्किन दिया जा रहा है और यहाँ पे M249 का एक स्किन दिया जा रहा है और यहाँ पे पैन वगैरह दिया जा रहा है जो मेरे पास ऑलरेडी है। बट गाइस बात कर तो यहाँ पे ऑलरेडी पर्पल क्रिमिनल बंडल ही रेयर है और यहाँ पे जितना भी रिवॉर्ड्स वगैरह दिया है ना पूरा का पूरा फालतू रिवॉर्ड्स है, बोले तो यहाँ पे कचरा दिया है गाइस। बस पर्पल क्रिमिनल बंडल को लेना है तो आप ले सकते हो, बट यहाँ पे ये सब ले आपके पास आ जाएगा तो आप समझ लो आपका अकाउंट पे वो अकाउंट के ऊपर कचरा आ रहा है कचरा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो एक स्पिन 40 डायमंड्स, 5 स्पिन 180 डायमंड्स, ठीक है। तो आपके पास लगभग 2000 कम से कम मैक्सिमम 2000 डायमंड रहेगा, 2000 डायमंड्स रहेगा तो आप लोग 5 स्पिन करके स्पिन करो, ठीक है। तो आपको जो स्पिन बहुत जल्द हो जाएगा और आपको पर्पल क्रिमिनल मिलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट गाइस आपके पास 500 डायमंड है, 700 डायमंड है तो आप लोग भूल करके भी इधर स्पिन मत करो, क्योंकि आपका पर्पल क्रिमिनल तो दूर की बात, आपको एक कचरा भी नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे 500 डायमंड से कुछ नहीं होगा, 1000 डायमंड से भी कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम 2000 चाहिए, नहीं तो 3000 चाहिए, नहीं तो 4000 चाहिए, तभी आपको एक क्रिमिनल बंडल मिलेगा। तो आप लोग सोच समझ के यहाँ पे स्पिन करना, नहीं तो आपका जो जितना भी डायमंड है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका गिरना पूरा पैसा खा जाएगा। तो आप लोग सोच समझ के यहाँ पे स्पिन करो एंड गाइस पर्पल क्रिमिनल आप लोग निकालना चाहते हो तो निकल सकते हो। बट गाइस बहुत सारा आईडी के ऊपर ऐसा भी होता है भाई, किसी को 40 डायमंड पे मिल जाता है, किसी को 80 डायमंड पे भी मिल जाता है 100। तो आप लोग के पास डायमंड है मतलब 100-200 डायमंड होगा तो आप लोग बस एक स्पिन करो 40 डायमंड, नहीं तो 180 डायमंड, भाई मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है, और नहीं मिलेगा तो आप लोग स्पिन दूर की बात मत करो यार, नहीं तो आपका पूरा डायमंड जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले अलर्ट कर देता हूँ गाइस इसी के ऊपर स्पिन करना, क्योंकि गाइस यहाँ पे ऐसा कोई रेयर चीज़ ही नहीं है जो आप लेना चाहोगी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्पल क्रिमिनल बस दिया है और यहाँ पे जितना भी रिवॉर्ड वगैरह दिया ना ये बिल्कुल कचरा है कचरा भाई, इससे ज़्यादा तो वो क्या बोलते हैं वो हमारा फ्री फायर के अंदर जो गैदर लाइट आया ना उसका जो गन स्किन वगैरह है ना वो काफ़ी बढ़िया यार, ये तो एकदम कचरा दिया है इसके अंदर। बट गाइस गैदर लाइट के ऊपर काफ़ी बढ़िया स्किन दिया है, गन स्किन वगैरह ये मुझे बढ़िया एंड अच्छा लगा। तो आप लोग बिल्कुल स्पिन यहाँ पे मत करो, आप लोग चाहे तो एक दो स्पिन कर सकते हो और आप लोग बिल्कुल ही निकालना चाहते हो तो आप लोग 3000-4000 डायमंड पहले रेडी करो, उसके बाद यहाँ पे निकल सकते हो, ठीक है गाइस। तो जितना भी डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हर एक दोस्त के बाजे के, हर एक फ्रेंड के बाजे के।